तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मिनता खैर सब यार, मैं भी ठीक हूँ। और भाई मैं भी थोड़ी देर सो रहा था तो बारिश हुई थी तो घर में गई, थोड़ी बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड की थी ये, तो मैंने कहा यार चलो इनको जो है अपने व्लॉग में डाल दूँ। यार काफ़ी मज़े का जो है मौसम हो रहा था और यासमीन रहीम जो है ये सब लोग भाई बारिश में नहा रहे थे मुझे छोड़ के। तो अब यार जैसे भाई बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार हो रही, दीवारों भी जो है वो पूरी गीली हो चुकी है और जो दरख्त है वो भी एकदम मेरा ख्याल है ठंड ताज़ा हो चुकी होंगे, गर्मी की शिद्दत भी जो है वो टूट चुकी है एक तरीके से। हाँ और यार भी आप लोग ये देखो दरख्तों पे यार पानी आप लोग सामने नज़र आ रहा होगा, ये देखो यार मुझे सामने पता लग रहा होगा यार कि दरख्तों कितनी बारिश हुई। और ये बारिश है सुबह 4 बजे से हो रही थी यार, वो जो है पता ही नहीं था यार, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सो गया था और सुबह उससे पास स्टार्ट हुई थी। और अभी आप लोग देखो यार कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है, होय 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 यार ये चेक करो भाई, इसमें नहाने का अपनी मज़ा था यार, क्या ही बताऊँगा आप लोगों को। A1 चस आई थी भाई इसमें। हाँ तो अभी यहाँ भाई बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और बारिश की जो आवाज़ थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थी यार, आप लोगों को क्या ही बताऊँ यार। वैसे मैंने ये आज मैं इस ब्लॉग में यार यार की उम्र हूँ ज़्यादा। खैर चलो अभी यहाँ पर गाड़ी भी जो है हमारी लैम्बोर्गिनी के टायर वो भी ऑटोमेटिकली वॉश हो रही, प्लांट्स को भी जो है ऑटोमेटिकली पानी मिल रहा था ठीक है। और भाई मैं शार्ट चलो वो बाबा लेके गए थे ना यार, उसकी कोई जो है फिक्र की बात नहीं है। हाँ ये अभी यार ओए मौसम काफ़ी अच्छी यार, वो उस घर से अचानक लाइट लगी, क्या वहाँ पे भूत रहते हैं बारिश के मौसम में, जो भूत होते हैं वहाँ पर वो रहते हैं, जो अचानक वहाँ पर लाइट लगी है यार। अरे यार यार मैं क्यों मानूँ, छोड़ो इसको यार को ऐसे यार, चलो आगे व्लॉग देखो। बारिश लगी हुई है मतलब कितने टाइम बारिश लगी तो भाई देखा नहाने का बेहतरीन मौका मिल गया। चलो यार नहाने में भी जी नहीं तो मेरे लिए हम दो जन से छोड़े तो नहीं है भाई, अभी अभी सर लोगों से रोन जो है करेंगे काय बार लग रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। जो यार लगते हैं जब इनके भाई में गाय बारिश को लोगों को जॉय करेंगे जो है फारग हो चुके हैं और मैं जो है कपड़े भी चेंज कर लेंगे। तो अभी भाई करते हैं अपना नाश्ता और नाश्ते में भाई हमारे पास आज चाय और ये दो मिठी टिक्कियाँ हैं और भाई अभी हो रहे हैं भाई 11:30। मैं जो है इस टाइम में नाश्ते का तो मेरी भी आदत बन चुकी है पिछले 3 महीनों से, मैं भाई इस टाइम में नाश्ते करता हूँ ठीक है, ये मेरी मजबूरी है समझा करो ठीक है। तो जी यहाँ पे आसम एसक्यू गेमर के चैनल पे भी जो है 500 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने ही वाले हैं और ये फाइनली मुझे लगता है कि अभी 1 सेकंड बाद सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे इसके। तो यार चलो देखते हैं, आज से जो है हम लोग 3-4 महीने पहले अपने चैनल पे कर रहे थे भाई 1 सब्सक्राइबर वाला, नहीं देखा तो वो भी देखो मेरे वन के जब हो रहे थे वो, ये देखो भाई मार्च इसके जो है 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम खान के जो है 500 सब्सक्राइबर्स हैप्पीली हो चुके हैं। आसिम इसके गेमर के जो है जैफ खान ने जो है ये कार्ड डिज़ाइन किए थे इसके लिए और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए और ये रहा भाई हमारा केक और साथ में जो है मुझे टिक्के भी बनाई थी। और चलो भाई केक कटिंग शुरू की जाए। हैप्पी 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से 500 सब्सक्राइबर्स की। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? पहले मैं अपने आपके सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी जल्दी 1 साल के अंदर 500 कर लिए हैं, तो आगे बहुत 500 करे
ताकि सब्सक्राइबर की पार्टी पूरे खानदान को मिल जाए इंशाल्लाह। आपको भी देंगे, म्यूटअप रखेंगे यार, म्यूटअप रखेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने रैबिट्स के पास, तो अभी हम आए अपने रैबिट्स के पास और ये हमारा बर्न हुआ, ये साथ इसके पास आया है। गाइस कहाँ पर है, ये इतना डरा हुआ है, ये दूसरा किधर है, दूसरी किधर है, अंदर है, अंदर है, मुझे लगा पता नहीं कहाँ है, वो हो गई है। और ये जो है गाइस कितना क्यूट है, आपको कमेंट में हमने इसके नाम रख लिए, पर आप बताएं कमेंट में रहने क्या चाहिए, अभी फिक्स रखे नहीं है हमने, बस एक का नाम बंटी है, एक का नाम बबलू है, तो अच्छा नाम रखे हैं। जब आपको मैंने बताएंगे ना जो नाम कमेंट में छेगा वो हम इसका रख देंगे, सब इस बात इत्तेफाक करते हो, इत्तेफाक कर रहते हैं कमेंट में जिसने भी हमें बताया अच्छा नाम बताया इसका, तो वो रख देंगे, रख देंगे हम। और ये एक और है जी, इतनी क्यूट सी है, ये ब्राउन है और वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये ब्राउन एंड व्हाइट है, देखिए ये उससे भी जल्दी बच्चे देते हैं। अच्छा ये होते हैं ना कि आप गौर से देखें पहले इनको, आप देखें देखें मुझे हाथ लगाने दो सर, देखें कितनी क्यूट है, ऐसे बकरी नहीं होती है, बकरी बकरी में एक बोलन चूहा, ये बोल रहे बकरी। अच्छा तो ये जो है ना कबूतरों से भी जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, ये जो है 15-20 दिन जो है बच्चे पैदा करते हैं, और उनके जो है कबूतरों में दो दो बच्चे नहीं होते, पूरे 7-8 बच्चे होते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ बच्चों को मैं रखूँ कहाँ पे, ये गोश्त ले रहे हैं इनको रखेंगे कहाँ पे, इनके जो बच्चे होंगे कहाँ पे रखेंगे हम लोग। जी अभी इनको इनके नाम करा रहे हैं, मैं इनके नाम जो है इनको याद करा रहे हैं बार बार। हाँ कमेंट सेक्शन में आना, इनके नाम बताने ठीक है, तो इनको थोड़ी देर भाई हम लोग बाहर भी रखेंगे, ये थोड़ा बहुत घूमते, इनको पकड़ना ही मुश्किल होता है वैसे, चलिए इनको देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अरे भाई पागल हो गए, इसको क्या अंदर लेके आ गए हो यार, यार तुम लोग उसको, मुझे लगता है कि पैर धनिया है, इसको तुम लोग पागल कर दोगे यार, ना करो उसके साथ, हो ना करो उसको पागल। आपको गाइस लग रहा होगा ये बहुत क्यूट है, एक बार कमेंट में माशाल्लाह और क्यूट लिखते हैं। हां ठीक, माशाल्लाह सुभानअल्लाह और क्यूट, अल्लाह की शान है यार। इसके ये बाल ये बहुत नरम है यार, इस गुजे के इसके बाल, ये आपको यहां से लगा होगा इसकी आंखें रेड हैं, आंखें बाकी में इसकी रेड लगती हैं यार, नहीं दूसरी वाली अभी ना वो भागती है ना, राहुल ना थोड़ वाली मुझे, ये उसने समझा मैं डर गया, वो सालार थी पे अपने घर गया, राठौड़ खरगोश राठौड़। क्रिकेटर्स को देखो यार, बारिश के मौसम में उधर नहीं खेल सकते, सेन में वैसे गाड़ी है वहां पे खेल भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ये इन लोगों ने यहाँ पे खेलना शुरू कर, कोई यार मुझे जाए तो, मुझे जाए तो, मुझे जाए तो, मुझे जाए तो यार, मुझे लग जाएगी, मुझे जाए तो यार तुम लोग। अभी भाई सब लोग छत पे, बाबर जो है वो जो है खरगोशों का इंतजाम कर उनको रखने का, उनको जो है छत में ही रखेंगे, तो मजा आएगा, ठीक है। भाई अभी हम लोग आए हैं भाई अपने नाना के घर, क्योंकि भाई ऐसे ही था मैं, तो भाई मीनू के मेरे यहाँ पे मैं नहीं आया, तो मैंने कहा यार चलो थोड़ा बहुत अंदर चले जाता हूँ, ऐसा था इनको जो है मैं थोड़ी बहुत मसरूफियात थी मेरी, तो मैं समझे और घर वालों को यहीं से उतार के चला गया था, या मेरे 2-4 काम थे इसमें बहुत डिफिकल्ट काम थे यार, तो वो मैंने किए, तो अभी भाई महीने बाद आई हूँ, तो यार इधर सी बात है मिलूँगा जरूर उनको ना, तो चार से रोज चलते हैं। है मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए भाई, देखो यहाँ पे मैं बैठा हूँ दूध लेने मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दूध के बगैर ना ही खीर बनती है, ना ही दही होता है, ना ही लस्सी होती है, तो समझो भाई दूध इज बेसिक यूनिट, और सम स्वीट डिशेस, और ज़ुएब खान जो है हमारे साथ आ गए, रईस खान तो हमारे साथ वैसे भी जाते रहते हैं, तो यार चलो अभी चलते हैं सीधा दूध लेने के लिए, फिर बाद में देता हूँ उन्होंने क्या करना, ठीक है। आ चुका था भाई, मेरे कुछ दोस्त आते हैं, और वो देखो भाई हमारा एक रैबिट जो है वहाँ पे बाहर घूम रहे, और एक जो है मैं अभी ऊपर था, वो अंदर चला गया यार, तो मैंने कहा यार चलो यही बयान करते हैं, तो ये ब्लॉग पसंद आया पसंद है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय। ظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مضى